बिग डे फॉर यू, मजा आ रहा है, हल्दी मेहंदी की रस्म चल रही है, सब बहुत मजा आ रहा है। और जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल रूरल सेटअप में मैंने सोचा था कि हल्दी मेहंदी की रस्म होगी, बिल्कुल वैसे ही किया हमने। बॉम्बे के इस एरिया में जो मड आइलैंड है, इट्स वेरी सिक्लूडेड, फार फ्रॉम द हैवी ट्रैफिक और शहर के शोर शराबे से, और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे सारे कजन्स जमा है यहाँ पर, मेरे शाम को दोस्त आने वाले हैं, सो इट्स गुड फन। तो रियल लाइफ में पहली बार हल्दी मेहंदी लग रही है, तो थोड़ी तो होगी स्टार्टिंग में हो रही थी और था, लेकिन बाकी एकदम कंफर्टेबल जोन में मैं आ गई जब सब लोगों को देखा, सब मस्ती कर रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, तो काफी मजा तो आ रहा है। हाँ, थोड़ी नर्वसनेस स्टार्टिंग में थी, जरूर थी। शादी को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है ना? बहुत एक्साइटमेंट है, इनफैक्ट मेरा सारी शॉपिंग बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है फॉर्चुनेटली, बिकॉज एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि मेरा शो का टाइमिंग, जो मैं शो साइन करूंगी, वो ऐसे टाइम पर होगा कि मेरी शादी से क्लैश होगा। शादी पहले से ही हमने डेट सेट कर ली थी, तो मेरी शॉपिंग एंड ऑल एवरीथिंग वॉज डन। तो थैंकफुली मुझे 3 डे जो ब्रेक मिला है शादी के लिए, वो बहुत काम आ रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज सॉर्टेड अलहमदुलिल्लाह, यू नो एवरीथिंग इज लाइक डन, मेरा लहंगा वहंगा सब कुछ रेडी है। बट वो एक जो एक्साइटमेंट होती है लड़की की ब्राइड बनने की, दैट इज ऑब्वियसली देयर। वो मैंने और एजाज ने, मतलब जो मेरे होने वाले दूल्हे हैं, हम दोनों ने साथ में ही सिलेक्ट किया था। हम खास सूरत गए थे उसके लिए, सिर्फ सिलेक्ट करने के लिए। उस वक्त मेरे पास बहुत टाइम भी था, तेरे शहर में खत्म हुआ था एंड मेरे पास बहुत टाइम था, तो हमने ट्रैवल किया, हम गए वहाँ पे, बहुत सारी दुकानें हमने देखी गुजरात में, एंड देन फाइनली वी फाउंड अ प्लेस जहाँ से हमने एक बहुत प्यारा सा लहंगा देखा है, विच आई एम गोना वेयर ऑन द 14 जनवरी। मैं फिलहाल तो यही कहना चाहूंगी, ये तो नहीं कह सकती कि शादी में आना, क्योंकि लेकिन इतना जरूर कभी कृष्ण राशि के जरिए प्लीज मेरे साथ कनेक्ट होइएगा। और जैसे आपने मेरे सीरियल गुस्ताख दिल को पसंद किया, जो भी काम थोड़ा बहुत अगर पसंद किया है सराहा है, तो कृष्ण राशि को जरूर एक्सेप्ट कीजिए। बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बोल्ड स्टोरी है, इट्स फॉर कलर्स एंड इट्स अ वेरी बिग शो इन माई करियर, इन माई लाइफ। सो आई होप कि आप सबको कृष्ण राशि बहुत पसंद आए। नाम लिखते हैं, पता है ये मुझसे कह रही थी कि नाम लिखते हैं, पर मुझे ऐसा लगा कि मैं ना लिखवाऊं तो मैं नहीं लिखवा रही हूँ। आई डोंट नो, आई जस्ट थिंक इट्स कंप्लीट है। हाँ, वो भी है मेरी मेहंदी, एक्चुअली मैं कहाँ फिट करूँ नाम, बट आई थिंक समवेयर वो स्क्वीजन करेगी कहीं, हाँ कहीं तो हाँ डालने वाली है। ओके, थैंक यू।